बुलंद शहर के डिवाइस क्षेत्र के गांव गालिबपुर में ग्रामीण द्वारा खीर के प्रसाद बांटे जाने के दौरान किसी शरारती तत्व ने खीर में भांग मिला दी और फिर क्या था, उसी खीर को खाने के बाद गांव के लगभग दर्जन भर से ज्यादा बच्चे और युवक नशे का शिकार हो गए। इस दौरान कुछ बच्चों की हालत ज्यादा गंभीर हो गई तो आनन फानन में ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पुलिस दलबल के साथ पहुंचे सीओ और एसडीएम ने तुरंत पीड़ित बच्चों और युवकों को नजदीक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भिजवाया, जहां प्रथम उपचार के बाद सभी को घर भेज दिया है, लेकिन दो बच्चों को हायर सेंटर रेफर किया गया है जहां दोनों का इलाज चल रहा है। पूरा मामला यहाँ प्रसाद बटो खीर का भांग मैं जो अभी घटना हुई है बच्चों के साथ में जो बेहोश हो गए थे, क्या है पूरा मामला मैम? अभी मौके पर जाके देखा तो गांव वालों ने बताया कि आज प्रसाद वितरण हुआ था, प्रसाद वितरण के साथ में किसी ने भांग मिला दी, जिन्होंने प्रसाद वितरित किया था उसमें भांग मिली हुई थी। अब उस मामले की जांच की जा रही है, प्रथम दृष्टि ऐसा प्रतीत होता है कि भांग मिलाई गई। अभी बच्चों की कैसी हालत है मैम? इसमें कुल 15 बच्चे थे, 15 बच्चे में से 13 बच्चे तो सकुशल अपने पेरेंट्स के साथ गार्जियन के साथ वापस चले गए हैं। उनको सीएससी दानपुर और डिवाइस से वापस उनके घर पे भेज दिया गया है। उनके कोई डॉक्टर ने बताया कोई भी कैसी भी ऐसी बात नहीं है जो घबराने वाली हो, बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में। दो बच्चों को एहतियातन के तौर पर अलीगढ़ मेडिकल यूनिवर्सिटी में रेफर कर दिया गया। थैंक यू।